फोटो में दिख रही इस मां ने कभी सोचा नहीं होगा, जिस बेटे को उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला और फिर उसे इस दुनिया में जीने के काबिल बनाया, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। आपको बता दें, गोरखपुर के अशरफपुर गांव में एक बेटे ने महज जमीन की खातिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ की ही जान ले ली, और यही नहीं, उसे बोरे में डालकर जंगल में फेंक दिया। तो वहीं आरोपी की बहन ने बताया कि माँ भाई से ज्यादा बेटियों को प्यार करती थी, इसलिए उसने माँ को मार दिया। माई के भाई हत्या कर दिया है, माई हमन के मानती रहल जानती रहल, माई के हमन जानत रहली, सुई दवाई करात रहली, पल्ले गिल्ले ले जात रहली, दिखावत रहली, करावत रहली, माई घरे रहल, माई के लोग धाने खाते के मार दिले हैं। कि जे मरे से आपके कौन हो? भाई हमें, यानी कि काहे वो कह रहा है कि इधर कब तक घटना है? शनिचर के राती के 10 बजे रात के लोगों ने मार ले हैं, मार के बोरा में भर के ले जगबन गाय जंगल में धाई आए हमें। तो किसे आपको जानकारी हुई? हम 3 दिन खोजली है माई के, इतवार के खोजली, फोन लगावली है, मंगर के लगावली, सोमवार के फोन लगावली है, ना आए लगल तब मंगर से हमने खोजे लगली है माई की, खोजत जब ना ही मिलल तब फोन लगा लग, ना ही माई मिलल तब हमने आईली है यहाँ, तब मनाई लगल है कहे तो नाते बातें किए खोजे, नाते बातें सब खोज ढली है, ना ही माई मिलल है, तब हमने कहा चला पुलिस के हवाले कल जाए, तब मट्टी कर चाहे मरल हो चाहे जिंदा हो, लेख हमने के सामने हाजिर कर दे, चाहे माई जिया थका चाहे मरल हो। यानी कि आपके भाई लालच में मारे थे? भौजाई कुल चढ़वा के मरवावले हैं, भौजाई भतीजी। आपका नाम? हमारा नाम मानती देवी है। अब क्या लगती है जो मरी उनकी? हमारे महतार रानी, हम उनका बेटी है। कहा जाता है पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, और सिर्फ जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ को मारकर इस बेटे ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। SPN9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।